इंडिया न्यूज। तो अब जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी मंत्रिमंडल के विस्तार के ऊपर, मंत्रियों के नामों के ऊपर, विभागों के बंटवारे को लेकर, उन पर पूरी तरह से एक पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि तस्वीर अब पूरी तरह से साफ है। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, मंत्रियों ने अपनी शपथ भी ले ली है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने किन किन मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। सबसे पहले अनिल विज, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पूर्व के कार्यकाल में भी वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य और खेल विभाग उनके अधीन रहा है। वहीं छति बारंबाला कैंट से विधायक चुने गए हैं। वहीं दूसरा कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को बनाया गया है, जो कि दूसरी बार जगाधरी से विधायक चुने गए हैं। और वहीं पिछले कार्यकाल में कंवरपाल गुर्जर विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं डॉक्टर बनवारी लाल, जो कि दूसरी बार मंत्री बनाए गए, पिछली सरकार में भी वो मंत्री थे। वहीं कैबिनेट मंत्रियों की इस लिस्ट में मूलचंद शर्मा का नाम भी शामिल हो गया है। वहीं इसी के साथ जेपी दलाल सहित रणजीत चौटाला, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे, चुनाव मैदान में थे, वो भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। तो वहीं कैबिनेट मंत्रियों के बाद अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं राज्य मंत्रियों की, शपथ जिन्होंने आज ली है। बता दें आपको कि कुल 10 मंत्रियों ने आज शपथ ली है, जिनमें से 6 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री भी शामिल है। और इन 4 राज्य मंत्रियों में 3 बीजेपी तो 1 जेजेपी की तरफ से है। सबसे पहले अनूप धानक, जो कि जेजेपी की ओर से, जिन्हें आज मंत्री बनाया गया, जेजेपी के एकमात्र मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ ली है। वहीं बता दें कि कमलेश ठांडा, जो कि महिलाओं का कैबिनेट में मंत्रिमंडल में नेतृत्व कर रही हैं, प्रतिनिधित्व कर रही हैं, एकमात्र महिला मंत्री है जिन्हें बनाया गया है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं हॉकी स्टार संदीप सिंह को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं इसी के साथ ओपी यादव, यानी ओम प्रकाश यादव को भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। और चलिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां से लिविंग इंडिया न्यूज पॉलिटिकल एडिटर नवनीत सिंह बदवा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो सीधे रुख करेंगे नवनीत का। नवनीत, जिस तरह से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, बीते दिनों से आज कल में काफी पशुपेश में ये मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण फंसा हुआ था, कई पेज फंसाए गए थे, लेकिन आज पूर्ण विराम लग गया है सभी अटकलों पर। 10 मंत्रियों ने आज शपथ ले लिया और कुल मिलाकर कैबिनेट में 12 मंत्री शामिल है। बिल्कुल, देखिए साक्षी, 12 मंत्री समेत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हो चुके हैं। अगर शपथ ग्रहण समारोह की हम बात करें तो 12:30 का समय इस शपथ ग्रहण समारोह का रखा गया था, लेकिन 20 मिनट देरी से ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हुआ। उसके पीछे भी कई वजह बताई जा रही हैं कि जननायक जनता पार्टी के कई MLA इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुँचे हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि पिछले कई दिनों से जो लगातार कैबिनेट रैंक को लेकर, चूंकि जननायक जनता पार्टी के कोटे से एक कैबिनेट रैंक था और एक राज्य मंत्री था, जो जानकारियां निकल के सामने आ रही थी, तो वो जो है उसको लेकर पशुपेश वाली स्थिति विधायकों के बीच में बनी हुई थी। 20 मिनट देरी से शुरू हुआ, उसके बाद जैसे ही शुरू हुआ, पहले नंबर पर अनिल विज को शपथ दिलाई जाती है कैबिनेट मंत्री की, दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो कंवरपाल शपथ लेते हैं, उसके बाद रंजीत चौटाला और एक एक करके फिर बीजेपी के और जो 3 बीजेपी कोटे से कैबिनेट मंत्री थे, टोटल 6 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। इसके अलावा फिर राज्य मंत्रियों की जब बारी आती है तो 1 जेजेपी के कोटे से और 3 बीजेपी के कोटे से, यानी कि 10 जो आज शपथ ली गई हैं। अब उसमें बड़ी बात निकल कर ये सामने आई है कि अगर रंजीत सिंह चौटाला की हम बात करें तो बतौर निर्दलीय विधायक के तौर पर उन्होंने उस कोटे से शपथ ली है, या जो जानकारी आए कहें कि जो चर्चाओं का बाजार गर्म है वो ये कि जननायक जनता पार्टी के कोटे से जो एक कैबिनेट रैंक था वो शायद रंजीत सिंह चौटाला को दिया गया है। अब इसके पीछे की भी एक बड़ी सियासत जो है वो चर्चाओं में है कि जननायक जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ताऊ देवीलाल की विरासत अगर किसी पार्टी के पास है तो वो जननायक जनता पार्टी के पास है। दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM हो गए, यानी कि चौटाला परिवार से 2 इस सरकार में नुमाइंदगी वो कहीं ना कहीं जाहिर करने की कोशिश है। एक दूसरा एक और जो देरी की बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो कैबिनेट मंत्री पिछली बार थे बीजेपी के कद्दावर चेहरे, जो इस बार चुनाव हारे हैं, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु हैं, जिसमें सुभाष बराला हैं, जिसमें OP धनखड़ हैं, जिसमें रामविलास शर्मा हैं,
ये तमाम लोग भी लेट पहुंचे और जब पहुंचे तो एक साथ पहुंचे। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक दबाव वाली स्थिति इस वक्त मनोहर लाल खट्टर के ऊपर है। अब ये दबाव किस तरीके का है वो यहाँ से समझने की जरूरत है कि जननायक जनता पार्टी के कोटे से जो मंत्री आने थे उसमें दो नाम और सबसे ऊपर चल रहे थे। एक सुभाष बराला को चुनाव हराकर विधानसभा पहुंचे विधायक जो जननायक जनता पार्टी से, और दूसरे कैप्टन अभिमन्यु को हराकर विधानसभा पहुंचे विधायक यानी कि राजकुमार गौतम। इन दोनों का ही नाम कहीं ना कहीं कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे की वजह यह मानी जा रही है कि इन तमाम कद्दावर नेताओं का एक प्रेशर जननायक जनता पार्टी के ऊपर या बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रेशर कि उनको कैबिनेट में शामिल नहीं होने दिया गया, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब अगर हम कास्ट वाइज जातिगत तौर पर इस कैबिनेट को देखें, चार जाट चेहरे इस कैबिनेट में हैं, एक सिख चेहरा इस कैबिनेट में लिया गया है और कहीं ना कहीं वो सिख चेहरा चार ग्रुप्स को टारगेट करता है। संदीप सिंह सिख है, संदीप सिंह बैकवर्ड क्लास से आते हैं, संदीप सिंह यूथ है तीसरा, और चौथा संदीप सिंह हाईवे बेल्ट से आते हैं यानी कि पेहवा बेल्ट से जो पंजाबी बेल्ट है। तो ये चार पैरामीटर्स जो है वो कहीं ना कहीं संदीप सिंह को लेकर के हैं। राज्य मंत्रियों के तौर पर बाकी जो तीन बीजेपी के और हैं संदीप सिंह को मिला करके, सबके साथ वो जातिगत समीकरण है। अब ऐसे में दो जो चीज़ें यहाँ पर देखने वाली और है, किस गुट को तवज्जो मिली किसको नहीं मिली। राव इंद्रजीत एक चेहरे को कैबिनेट में शामिल करवाने में कामयाब रहे ओपी यादव को, जो उनके कह सकते हैं कि उनके गुट से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा राव इंद्रजीत जो कि सांसद हैं राज्य मंत्री हैं उनको तो कामयाबी मिली, पर एक और जो हरियाणा से राज्य मंत्री हैं गुर्जर उनको कहीं ना कहीं नाकामयाबी मिली, चूंकि उनके दुर्विरोधी या कहे कि उनके जो खेमे से नहीं आते हैं टेकचंद शर्मा उनको कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो कैबिनेट में देखने वाली हैं और इस कैबिनेट में अभी और कितनी जल्दी विस्तार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कास्ट के तौर पर जातिगत के तौर पर देखें तो पिछली बार भी एक अब हम कह सकते हैं कि बनिया चेहरा या एक उस बिरादरी से भी चेहरा विपुल गोयल के तौर पर रहा था, पर इस बार वो भी नहीं है, इस बार वो भी शामिल नहीं। बिल्कुल नवनीत, जिस तरह से बात करें कि 14 मंत्री बनाए जा सकते थे, 12 फिलहाल कैबिनेट में हैं, दो जो मंत्री हैं उनकी स्पेस सभी भी यहाँ पर खाली रहती है, तो आने वाले समय में विस्तार की गुंजाइशें बनी हुई है। देखिए बिल्कुल विस्तार की गुंजाइशें हैं, चूंकि अभी कहीं ना कहीं पशुपेश वाली स्थिति जननायक जनता पार्टी में भी है और भारतीय जनता पार्टी में भी है जी। तो ऐसे में ये एक स्पेस कहीं ना कहीं रखा गया है कि अगर विस्तार करने की जरूरत पड़ती है तो वो किया जा सके। बड़ी बात ये भी है कि आगे अब हरियाणा में बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर भी जो है वो चुनाव होना है कि कौन अगला बीजेपी का अध्यक्ष हरियाणा में होगा। सुभाष बराला की हार अपने आप में कहीं ना कहीं उन चुनावों पर इफेक्ट डालेगी और यही एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि कुछ चेहरों के लिए स्पेस अभी रखा गया है कि अगर किसी को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता है तो शायद उसको बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि निर्दलीय जो थे वो आज नाराज जरूर नजर आए। शपथ ग्रहण समारोह जैसे ही खत्म होता है तमाम निर्दलीय विधायक जो उम्मीद बटोर कर आए थे, चाहे नैनपाल हो, नैनपाल रावत हो, चाहे बलराज कुंडू हो या और जो तमाम निर्दलीय विधायक हैं, वो चुपचाप वहां से खिसकते हुए नजर आए। हालांकि समर्थन वो दे रहे हैं अभी भी सरकार को, लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति जो है वो डामाडोल वाली है। अब या तो इसमें स्थिति ये बनती है कि अगर कैबिनेट में उनको जगह नहीं दी जाती, चूंकि सरकार को निर्दलियों की जरूरत नहीं है, बावजूद उसके समर्थन अगर उनको ने दिया है तो शायद चेयरमैनियां दे करके उनको एक डैमेज कंट्रोल वाली स्थिति या कहे कि नाराजगियों को दूर करने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार कर सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, नाराजगी को दूर करने की कोशिश नवनीत कल जब मुख्यमंत्री ने डिनर पर निर्दलीय विधायकों को बुलाया तब भी की गई, और इसी के साथ जिस तरह से बीते दिनों डेरा जमाया था निर्दलीय विधायकों ने दिल्ली में, तब से कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति सरकार पर बनी हुई है। बहरहाल अंकुश भी हमारे साथ बने हुए लिविंग इंडिया न्यूज संवाददाता, अंकुश का रुख करेंगे एक बार। अंकुश, जिस तरह से अभी नवनीत भी बता रहे थे कि निर्दलीय विधायकों की नाराजगी नजर आई, आप भी राजभवन में इस कार्यक्रम में मौजूद थे, क्या कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली वहां पर? जी बिल्कुल साक्षी, हम जैसे बात करें कि स्वाभाविक होता है, जिस तरह बात चल रही थी कि जो निर्दलीय विधायकों में से किसका नाम मंत्री पद के लिए आगे आएगा, किसके आखिरी मोहर लगेगी, तो मोहर जो लगी वो रणजीत सिंह चौटाला के नाम पर ही लगी, लेकिन जो बाकी के जो थे जब बात की जाए तो उन पर कहीं ना कहीं निराशा के जो बादल है वो मंडराते हुए दिखे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आए थे। तो चाहे रावत की बात हो, नैनपाल रावत की बात हो, जय पंडार की बात हो, तो उनका था कि उन्हें भी शायद मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन जब उन्हें नहीं मिल पाया वो मंत्री पद, तो जो यहाँ से वो जिस समय गए तो उनके चेहरे पे साफ मायूसी देख सकते थे। बिल्कुल मायूसी देखी जा सकती है। वही अगर बात करें अंकुश महिलाओं के नेतृत्व की, तो कमलेश ठांडा एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें नेतृत्व दिया गया है, वो भी राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया है, जो कि महिलाओं का कैबिनेट में प्रतिनिधित्व कर रही है।
जी बिल्कुल, बात की जाए जो डांडा को ही सिर्फ एक ही ऐसा महिला चेहरा रहे हैं जो मंत्री पद में जिनको शामिल किया गया है। हालांकि हरियाणा में बार बार ये बातें उठती हैं कि जो नेतृत्व है वो महिलाओं को कम दिया जाता है, तो इस बार भी कम से कम एक चेहरा देखने को मिला है मंत्री पद पर। बिल्कुल, तो चलिए नवनीत आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह महिलाओं में सीमा त्रिखा का नाम भी काफी आगे दौड़ में चल रहा था, उनके नाम की चर्चाएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से महिलाओं के आरक्षण की बात की जाती है, टिकटू का भी जब वितरण हुआ था तब भी यह बात आई थी कि कितने प्रतिशत महिलाओं को मैदान में उतारा गया है, और अब कैबिनेट में देखें तो महज एकमात्र एक राज्य मंत्री का दर्जा कमलेश ठांडा को दिया गया है, कैबिनेट का दर्जा भी नहीं दिया गया। अगर पिछली सरकार की बात करें तो कविता जैन बतौर कैबिनेट मंत्री थी। देखिए, लेकिन इस बार जीत जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, या ये कहें कि इस बार स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सोच समझ के कैबिनेट देने की थी। आपने बिल्कुल ठीक जो जिक्र किया कि पिछली बार कविता जैन को कैबिनेट रैंक दिया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ एक महिला और वो भी राज्य मंत्री। सीमा त्रिखा का आपने जिक्र किया, ऑलरेडी फरीदाबाद बेल्ट से एक MLA मूलचंद शर्मा को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है, तो ऐसे में सीमा त्रिखा एक, हालांकि कहा जाता है कि एक न्यूट्रल चेहरा, और कहीं ना कहीं गुर्जर की भी बहुत करीबी मानी जाती है, शायद एक नुकसान हम कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा सीमा त्रिखा को उठाना पड़ा हो कि उनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। नाराजगी गुर्जर की आज भी नजर आई, आज वो वहाँ मौजूद थे और उस मौके पर भी उनकी नाराजगी, या कहें कि बिल्कुल शांत से वो नजर आए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी, और आपने अगर ढांडा की बात की, देखिए सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक दिग्गज चेहरे को हराना, और दिग्गज चेहरे को हराने के बाद एक ऐसा चेहरा जो कांग्रेस पार्टी में हम कहें कि अगर हुड्डा ना हो तो मुख्यमंत्री की रेस में भी रहता है, तो ऐसे चेहरे को हरा करके विधानसभा पहुंचना कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव खेलना इसको कह सकते हैं, जिस वजह से राज्य मंत्री कम से कम दिया गया। पर सवाल यही कि राज्य मंत्री क्यों, कैबिनेट मंत्री किसी महिला को क्यों नहीं, तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो दो अभी कैबिनेट रैंक बचे हैं शायद उनमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की, गुंजाइश बनी हुई, उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल नवनीत और अंकुश दोनों यहाँ बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच आपको सीधे ले चलते हैं फरीदाबाद, जहां पर जश्न भी मनाया जाने लगा है। जी हाँ, कैबिनेट विस्तार के बाद अब मंत्री पद मिलने वाले नेताओं के कार्यकर्ताओं द्वारा खुशियां मनाई जा रही है, और फरीदाबाद की तस्वीरें जहां बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे हैं, उनके कार्यालय के बाहर ये जश्न मनाया जा रहा है, जहां एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है और गले लगकर बधाइयां दी जा रही है। तो खुशी के ठिकाने नहीं है कार्यकर्ताओं के, अपने नेता को, अपने आदर्श को मंत्री बनते देख हर कोई गदगद हो उठा है, और खुशियां पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है। तो खुशियां मनाए जा रही हैं न कि सिर्फ फरीदाबाद बल्कि हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जो नेता हैं उनके गृह क्षेत्र में इस तरह की खुशियां मनाई जा रही है। बहरहाल अंकुश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए, अंकुश अगर नजर डालें आज के मंत्रिमंडल विस्तार पर तो 10 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। इन मंत्रियों में 6 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 4 राज्य मंत्री बनाए गए। बात अगर JJP की करें जो इस बार सत्ता निर्माण में भी किंग मेकर की भूमिका में रही है, JJP से महज एक विधायक यानी अनूप धानक ने आज मंत्री पद की शपथ ली, वो भी महज बतौर राज्य मंत्री। देखिए, बात करें तो अहम पदों की, मंत्रालय की बात हम कर सकते हैं, अहम मंत्रालय काफ़ी हद तक मिल चुके हैं JJP को। जैसे 11 जो मंत्रालय हैं वो दुष्यंत चौटाला के हिस्से में आए हैं, तो एक और जैसे आज राज्य मंत्री बनाए गए हैं अनूप धानक, तो जरूर उनको कोई अलग से पद नहीं दिया गया, अलग से अहम मंत्रालय नहीं दिया गया, कैबिनेट रैंक नहीं दिया गया है। लेकिन जो अगर बात की जाए तो 11 जो अहम मंत्रालय हैं वो दुष्यंत चौटाला की जो झोली में पहले ही मनोहर लाल खट्टर ने डाल दिए हैं। बिल्कुल, तो अंकुश क्या माना जाए ऐसा कि कहीं ना कहीं कंपनसेट किया गया है, जिस तरह से 11 अहम विभाग चाहे वो गरीबों से जुड़े हों, उद्योगपतियों से जुड़े हों, वो वहां दिए गए हैं और मंत्री पद में कहीं ना कहीं कटौती की गई है। जी बिल्कुल, जैसे भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था चुनावों से पहले, लेकिन जो जनता ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा, तो उसके बाद भाजपा जैसे को जैसे साथ लेने की ज़रूरत पड़ी तो निर्दलियों की ओर देखा, लेकिन JJP किंग मेकर की भूमिका में आई। हालांकि सिर्फ 11 महीने पहली उभरी वो पार्टी है दुष्यंत चौटाला की JJP, जो अब किंग मेकर की जो भूमिका में आ गई है, उप मुख्यमंत्री का पद भी उन्होंने ले लिया है, 11 अहम मंत्रालय भी ले लिए हैं, एक और राज्य मंत्री का भी प्रभार ले लिया है, तो JJP को काफ़ी हद तक फायदा होता दिखा गया। और भाजपा और JJP में जो खींचतान
चल रही थी क्योंकि 17 दिन हो गए थे दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर को शपथ लिए हुए, और विपक्ष दल बार बार इस चीज को लेकर निशाना बना रहे थे इस संगठित सरकार पर कि अभी तक मंत्री पद क्यों नहीं बांटे जा रहे हैं, कि आम लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आखिरकार वो आज हो पाया, और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भाजपा ने कहीं ना कहीं समझौता किया है जेजेपी के साथ, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जेजेपी का साथ भी बहुत जरूरी था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अंकुश आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें सिरसा से भी अब आपको दिखा रहे हैं, जहां जश्न मनाया जा रहा है, यहां पटाखे चलाए जा रहे हैं। और कैबिनेट विस्तार आज हुआ है, जिसे लेकर रणजीत चौटाला के समर्थक भी जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें जहां ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता नाच रहे हैं और पटाखे फोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है, गले लगकर एक दूसरे को समर्थक बधाई दे रहे हैं। सिरसा से रणजीत चौटाला के मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाए जाने को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। बता दें कि रानिया से विधायक हैं रणजीत चौटाला।